ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कॉल एग्जीक्यूटिव तथा ऑल इंडिया कॉल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पी के सिंह राठौर जी ने बताया कि डाक विभाग के माध्यम से अब पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा भी मिलेगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन से पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस हेतु विशेष कैंप बिलासपुर ब्रांच का वसंत बिहार में 9 नवंबर को लगाया गया। मैं प्रीति सोनी प्राइम 18 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम खड़े हैं वसंत बिहार एसीसीएल गेट के सामने में, जहां जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं यहां के पीके सिंह राठौर जी से। आइए सर, बात करते हैं। सर नाम बताएंगे आप? मैं पीके सिंह राठौर, संयोजक ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। अच्छा सर, तो ये जीवन प्रमाण पत्र के बारे में कुछ बताएंगे आप? या जितने लोग रिटायर करते हैं गवर्नमेंट सर्विस से, उनको पेंशन मिलता है। अच्छा। तो कोल इंडिया से भी काफ़ी लोग रिटायर करके बिलासपुर में बसे हैं। हाँ। तो उनको नवंबर महीना में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो ये किस टाइप का है सर? यह जीवन प्रमाण पत्र इसलिए है कि उनका जिंदा रहने का प्रूफ है। अच्छा। यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो इसका पेंशन कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। ये ऑनलाइन सिस्टम है? पहले यह ऑफलाइन सिस्टम था। पहले कागज में साइन करके बैंक में दिया जाता था। अच्छा। अब भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि जीवन ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि आपका सर्टिफिकेट जमा हो गया। ऑफलाइन सर्टिफिकेट में होता था कभी कभी बैंक में भूल जाता था, कागज इधर उधर रखा जाता था, जिसके चलते पेंशन बंद हो जाता था। फिर उसको चालू कराने के लिए फिर वही प्रक्रिया होती। तो ऑनलाइन होने से सुविधा यह हुई कि तुरंत आपको प्रूफ भी मिल गया कि आपका जमा हो गया, और लोगों को सुविधा भी है। ये हमारा संघ या दोनों संघ है, प्रत्येक वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेलीफोन डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके सहयोग से हमारा संगठन यह कैंप लगवाता है। पिछले 3 साल से यह कैंप लगवा रहा है, और इससे लोगों को, हमारे सदस्यों को काफ़ी सुविधा मिली है और आगे भी सुविधा मिलेगी।